मॉम, आपने उस वैभव को देखा? किसे फूट फूट के उसको उस आशा पे प्यार आ रहा था। मुझे नहीं लगता वो उसे कहीं भी जाने देगा। और सविता आंटी को अचानक से क्या हो गया था? उस आशा के लिए वो सबसे लड़ने को तैयार हो गई। I know my doll, but don't worry. उस आशा की इस घर से तो एग्जिट में करके ही रहूंगी। तुम्हें उस गवर्नमेंट एजेंसी का नाम पता है जो बच्चों से रिलेटेड सारे मैटर्स हैंडल करती है? क्या नाम है उसका ईशा? How would I know, mom? Oh yeah. तुम्हें कैसे पता होगा? चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। आशा को इस घर से निकालने का एक जबरदस्त आइडिया आया है। ईशा, नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच। माँ, आप कहाँ हैं? आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। माँ, कुछ करो, मैं श्री को फिर से नहीं खो सकती। इस बार मैं उसे नहीं जाने दूंगी। आप आओगी ना तो मुझे पूरा यकीन है सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी शक्तियां वापस दे दो, मुझे इन दोनों को बचाना है। ये कैसे हुआ? लगता है मैं नींद में। श्री, आशा, आ जाओ बेटा। रो रहे हो क्यों? कुछ खो गया क्या आपका? जो खोया था वो अब मिल गया है। कैसी है मेरी बच्ची? एक बात पूछूं, आप कौन हो? क्या लगती हो आप मेरी? मैं तुम्हारी दादी हूँ। दादी? दादी, पहले भी तुम्हारे मुंह से सुना है, लेकिन आज जब पता है कि तुम मेरी कौन हो, तुम्हें नहीं पता मैंने इस पल के लिए कितना इंतजार किया। अच्छा, अगर आप मेरी दादी हो तो ये पूरा घर भी मेरा है क्या? हाँ, ये तुम्हारा अपना घर है। वाओ, कितना अच्छा घर है। रंगोली है ये आपने बनाई है दादी? बहुत प्यारी है। वैसे दादी, आप इतनी सजावट क्यों कर रही हैं? कोई आने वाला है क्या? अंश आ चुका है, अब बस पूर्ण का आना बाकी है।
कब आएगी मेरी लक्ष्मी माँ? बस उन्हीं के आने की उम्मीद में ये चौखट सजा रही हूं। लक्ष्मी माँ, जगत जननी, शुभ लाभ की देवी, कब आएंगी आप मेरे घर? माँ, ये क्या लीला है? आप अपनी भक्त सविता को क्यों तड़पा रही हैं? अब तो आप उसके घर जा सकती हैं ना माँ? वो आपके स्वागत में आंखें बिछाए बैठी है माँ, आपका आवाहन भी कर रही हैं। तो किस बात का विलंब है माँ? माँ लक्ष्मी, वो मेरी भी माँ है क्या दादी? बताओ ना दादी, मेरी भी तो कोई माँ होगी। अभिराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बोल रहे हैं? I'm sorry अभिराज, पर नहीं हो पाएगा मुझसे। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया, हो सके तो मुझे माफ करना, पर I can't। मिनका के बीच कुछ तो बड़ा मसला है गुरु। जीजे, कुसुम तो मुझे वैसे ही ठीक नहीं लगती, पर मिनका आंटी ऐसे। आपको नहीं पता है, तुम्हारे सामने जितनी सीधी बनती है ना, उतनी है नहीं। मेनका नहीं, वो सुपनखा है, सुपनखा। अरे यार जीजे, आप एक नंबर की चंट लोमड़ी है, वो बात को बदल देती है। जीजे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, पर पता तो लगाना होगा ना, आखिर में ये कुसुम चाहती क्या है? और हाँ, मैं आशा को ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं जाने दूंगा नहीं। लगता है दिल आ गया बच्ची पे, है ना? हाँ जीजे, जैसा उसका नाम है ना वैसी ही है वो, आशा। होप लेके आई है इस घर में, जब भी आसपास रहती है ऐसा लगता है कि कुछ गलत होगा ही नहीं, सब सही होगा, सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक हो भी जाता है, अलग ही कनेक्शन हो गया है उससे इतने कम दिनों में, सच में बहुत लगाव हो गया है। ऐसा लगता है कि कुछ तो है उसके और मेरे बीच। हाँ मम्मी को ही देख लीजिए ना, जान छिड़कती है आशा पे। जीजे कुछ भी हो जाए उसे जाने नहीं देना, उसको रोकने के लिए ना जो कुछ होगा मैं करूंगा, उसको जाने नहीं दूंगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा इस घर से, उस आशा का पैकअप तो मैं करवा के ही रहूंगी। हेलो, हाँ तुम आ रही हो ना? गुड। ईशा डार्लिंग, डू यू वांट टू सी सम एक्शन? ऑफ कोर्स। मायरा बेटा, देखो नानी तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई है, कम कम हैव द चॉकलेट्स।
गो गो गो, अपने कमरे में जाके खाओ। ओ वो गर्ल, तुम्हें भी चॉकलेट्स खाने का मन कर रहा है ना? ओ मुंह में पानी आ रहा होगा। नो प्रॉब्लम बेटा, खाओ खाओ, तुम भी चॉकलेट्स खाओ। आओ, अरे आओ, अच्छा अच्छा अच्छा। आशा बेटा, ये ले तुम्हारे चॉकलेट्स। थैंक यू सुपनखा आंटी। मेनका 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 आंटी बेटा, सॉरी, विद्याधर अंकल बोलते हैं तो मुझे लगा वही होगा आपका नाम। वेरी फनी। अच्छा जाओ जाओ, आराम से चॉकलेट खाओ, एंजॉय चॉकलेट। मेरी बेटी को बचा लीजिए, इन लोगों ने उसे अपने कब्जे में कर रखा है, बहुत बुरे तरीके से रखते हैं वो उसे, उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। वो छोटे बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा आपकी संस्था का है ना? मेरी आशा आपसे जुड़ी हुई है, मेरी आशा को मुझे दिलवा दीजिए। मैं आ गई हूँ ना, अब आप टेंशन मत लीजिए, चलिए चलिए चलिए। ये स्केटबोर्ड तुम्हें सीधा इस घर से बाहर लेके जाएगी। हैप्पी एडवेंचर श्री। क्या बताऊं मैं, इतने निर्दयी दुष्ट पापी लोग हैं, मेरी फूल सी बच्ची की हड्डियां तक तुड़वा दी। बताइए, नन्ही सी जान इतना दर्द कैसे सहेगी? मैडम, आप अपनी आंखों से देख लीजिए क्या हालत हो गई है बच्ची की। अगर आप देखेंगे ना तो आपकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। आइए देख लीजिए। मेरी आंखों से आंसू तो नहीं निकले, पर आप अपनी आंखों का चेकअप जरूर करवा लीजिए। मतलब आशा, ध्रुव, दोनों कितना अच्छा डांस कर रहे हो। श्री, श्री आके खोल बेटा। क्या हुआ दादी? तुझे चोट नहीं आई?
तुम गिरी ना? नहीं, मुझे तो कोई चोट नहीं आई है। अजीब है ना, कल तक इसे पता था कि ये श्री है, लक्ष्मी माँ का अंश। मुझे नहीं पता था, और आज जब मुझे पता है तो इसे नहीं पता। पर एक दिन जरूर आएगा जब हम दोनों को पता होगा। श्री भूल गई है कि वो कौन है, लेकिन उसके पास अभी भी मेरी शक्तियां हैं, अभी भी मेरा अंश है। आशा को तो क्या हुआ? आशा को ठीक तो है ना? ठीक, ये तो एकदम फर्स्ट क्लास है। आप तो कह रहे थे इसकी हड्डी पसली टूट गई, रो रो के बुरा हाल है। अरे रोएगी क्यों? इसके हंसी के ठहाकों से तो पूरा घर गूंजता है। बच्ची बहुत खुश है यहाँ। वो मैं मेरी बेटी को ले जाना चाहती हूँ। हाँ, अब तो बच्ची की तबीयत ठीक लग रही है, आप उसकी कस्टडी ले सकती हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, कब से लेने की जाना चाहती हूँ, पर ये लेने। सोच के मुंह खोलना कुसुम, क्योंकि अगर मैंने मुंह खोला तो सब कुछ बता दूंगी कि तुमने बच्ची के साथ क्या किया। सारा कच्चा चिट्ठा बताया हमें। क्या हुआ, आप कुछ बोल रही थी? मैं तो कुसुम जी को कह रही थी कि वो यही रुक जाए आशा के पास। कुसुम जी, मना किया मैंने? क्या कुसुम जी, यहाँ तो सब ठीक था, आपने बेकार में मेरा टाइम वेस्ट किया। देखिए आप ना कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रही है मेरे साथ, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इसे यहां से लेकर ही जाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन श्री यहां से कहीं नहीं जाएगी। श्री नहीं मम्मी, आशा। आशा नाम है उसका। हाँ आशा, वो आशा भी मेरे लिए श्री जैसी तो है। और आप चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बच्ची को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। शुभ लाभ।